अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने सलानी AI एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अपलोड किया था। तो ये वीडियो है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो उसके अलावा ये देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर 997 सब्सक्राइबर है, 1000 होने वाले हैं। तो जैसे ही आप 1000 करेंगे तो 1000 सब्सक्राइबर करने पर एक वीडियो आपको मिलेगी जो कि फ्री कोर्सेज से रिलेटेड होगी, ठीक है। जैसे आप 1000 सब्सक्राइबर करेंगे तो उस पर आप लोगों को एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा वीडियो के तौर पे, ठीक है। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, जो कि है सलानी के एंट्री टेस्ट, यानी PIAIC बैच 2 का जो एंट्री टेस्ट है उसमें क्या आएगा। तो उस तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। ये आप देख सकते हैं कि लास्ट PIAIC का जो बैच 1 था उसका एंट्री टेस्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 1000 से प्लस स्टूडेंट्स थे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब तो 70 हॉकी स्टेडियम है, तो इसमें एज ए वॉलंटियर मैंने की थी, मुझे इस चीज़ का आइडिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं इसका टेस्ट देने के लिए। जो PIAIC हो रहा है वो नेशनल स्टेडियम कराची में हो रहा है, तो क्राउड वही होगा। और ये है कि काफ़ी डिले हो सकता है इनका टेस्ट, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि कुछ गेस्ट वगैरह भी आएंगे, इसके अंदर गेस्ट स्पीकर्स भी आएंगे, तो ये काफ़ी चीज़ें होंगी इसके अंदर। पूरा इवेंट जाएगा प्रॉपर जिस तरीके से आप इवेंट में चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा। और टाइम पे आना आपकी मर्ज़ी, टाइम पे आना चाहे तो आएँ, लेकिन ये है कि काफ़ी डिले होंगे टेस्ट, लेकिन फिर भी ये कि आप टाइम पे आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अब तो हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो का पैटर्न क्या है, यानी PIAIC बैच 2 का पैटर्न क्या है। तो मैं आपको अपना पास एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ PIAIC बैच 1, ठीक है। तो उसमें कुछ इस तरीके का पैटर्न था। अब ज़रूरी नहीं है कि बैच 2 में भी यही क्वेश्चन आंसर आए, पैटर्न यही हो, लेकिन माइट भी पॉसिबल है, क्या पता है ऐसा ही पैटर्न आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है टोटल 30 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा, और आपके पास जो होंगे पेपर ABC होंगे। आपके पास ए भी आ सकते हैं, बी भी आ सकते हैं, सी भी आ सकते हैं। सबके अंदर क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन सिर्फ नंबरिंग चेंज होगा। MCQs जो है वो आगे पीछे होंगे सॉर्ट, लेकिन क्वेश्चन आंसर जिसके अंदर MCQs होंगे वो सारे सेम होंगे। चलते हैं आगे। वो सेशन 1 में जो होगा वो आपका मैथमेटिक्स एंड IQ होगा। इसका टाइम होगा 30 मिनट और इसके टोटल क्वेश्चन होंगे 22। कहने को सिर्फ 30 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का टाइम होगा, बहुत टाइम है और MCQs भी कम है, लेकिन क्राइटेरिया इतना टफ होगा, यानी कि ये पासिंग मार्क्स, तो मुझे आइडिया नहीं पासिंग मार्क्स क्या है। मेरे ख्याल से आप इसमें आप छोड़ें पासिंग मार्क्स क्या है क्या नहीं है, ये आपको पास कर देंगे, इतना इशू नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगा, यानी कि हज़ारों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो पेपर इतना आसान नहीं बनेंगे, मुश्किल से मुश्किल बनेंगे। तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ पेपर बहुत मुश्किल होगा। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, PIAIC बैच 1 का पेपर बहुत मुश्किल था, ठीक है। और बैच 2 में भी ऐसे ही होगा कि पेपर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये लोग अगर आप इतना फेल नहीं करते, लेकिन अगर आप जबरदस्ती करना चाहेंगे, फेल होना चाहेंगे, तो आपको वो ज़रूर फेल करेंगे। पहला जो सेशन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 क्वेश्चन है। इसके अंदर मैथमेटिक्स एंड IQ के होंगे। मैथमेटिक्स और IQ क्या होती है आप लोगों को अच्छे से मालूम है, मैंने 2 एग्जाम्पल दी हैं जो लास्ट पेपर में आई थी, तो आप इससे आइडिया कर लें कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये MCQs, ठीक है। तो पहला जो है इसमें लिखा हुआ है बेस्ट कंटिन्यूस द सीरीज़, जो ये अमूमन आपने देखा होगा सीक्वेंस वगैरह के आ रहे होते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी कहने को इतना आसान लग रहा है अभी, लेकिन आप जब करने बैठेंगे एक साथ आएंगे तो काफ़ी टाइम ले लेंगे आराम से। तो इसका आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये 0 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 13, 14, 15, 16 तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। अब चलते हैं 2 पे, हाउ मेनी नाइन्स इन 1 to 100 नंबर, ठीक है। इस तरीके से सवाल आते हैं, आपको ये एब्सोल्यूट देने का मकसद ये है कि इस तरीके से सवाल आते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं, टेस्ट काफ़ी मुश्किल होने वाला है। IQ अपनी अच्छी कर लें और जो नंबरिंग वाले क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे कर लें आप। तो अभी आप देख सकते हैं हाउ मेनी नाइन्स इन 1 to 100 नंबर, यानी 1 से लेकर 100 तक की गिनती में नाइन्स का कीमत हुआ आता है। काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है ये, बाजार तो आसान लग रहे हो, लेकिन जब आपके पास पेन होगा आप करने बैठेंगे तो आपको फुल काउंटिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेट पर चलते हैं, ये देख सकते हैं, इसको आप काउंट करेंगे यहाँ से तो ये बनेंगे 19 बनेंगे, ये आप करेंगे 19। लेकिन आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ें तो हाउ मेनी नाइन्स, कितनी मरतबा 9 आ रहा है, तो आप इस चीज़ को देख लें, 2 मरतबा 9 आ रहा है, तो ये अलग से काउंट होगा, ये अलग से काउंट होगा। आप पूरा काउंट करेंगे तो ये 19 होगा, ठीक है। यानी आप 99 को एक काउंट करेंगे तो 19 होगा, लेकिन आपने इसको 2 मरतबा काउंट करना है, तब जाके ये 20 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपका 20 होगा, ठीक है। तो सेशन 1 में ये होगा, आपके पास क्वेश्चन होंगे, आपने काफ़ी एहतियात से करने हैं, काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी सारा टाइम आपके इसी में ज़ाया हो जाएगा सीक्वेंस को करते करते। और अगर आगे चलूँ
तो आप देख सकते हैं कि कुछ डायग्राम के होंगे आईक्यू के क्वेश्चन, कुछ मैथ्स के हो गए, उसने इतनी की चीज़ दी तो फिर वो इतनी की लेगा तो वो कितने के होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। फिर मेजोरिटी आपके ये सीक्वेंस वाले होंगे, और ये देख सकते हैं डायग्राम देख लें, इस तरीके से आप जाकर नेट पर सर्च कर लें, इस टाइप के आईक्यू के क्वेश्चन होते हैं, तो आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, इस वाले को आप गौर से देख लीजिएगा, इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, नंबर 18 इस टाइप के आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी सीक्वेंस आते हैं या पेपर में आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आपके उस पर, अब आप आ जाए सेशन टू। तो सेशन टू में जो होगा वो इंग्लिश होगा, और टाइम होगा आपके पास 10 मिनट, और 5 क्वेश्चन होंगे। तो कोई भी एक उसके अंदर आपको दे देंगे आर्टिकल, ठीक है, तो आर्टिकल देंगे, कोई भी आर्टिकल आपका हो सकता है, कोई भी आर्टिकल आपको दे देंगे, जैसे कि आप इंग्लिश का पेपर नहीं होता आपका इंटर में, जैसे कि आपको पैराग्राफ मिलता है, पैराग्राफ आपसे 5 क्वेश्चन पूछे होते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते हैं उसके अंदर ही आपके आंसर होते हैं, तो उस वजह से आपको क्वेश्चन दिया होगा, और उसके अंदर आपको एक दो क्वेश्चन दिए होंगे सिनोनिया फाइंड करने, यानी कोई भी पैराग्राफ देंगे उसके अंदर कोई भी वर्ड निकाल लेंगे, उसका अपना सिनोनिया निकाल लें। लेट सपोज सिनोनियम्स ऑफ फर्टाइल क्या होता है, तो ये आपने नेट पर सर्च कर लेना है। लेट सपोज अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, देखें यूज़लेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यूज़लेस। तो इस तरीके से यानी इंग्लिश में क्या आ गया, आपका पैराग्राफ आ सकता है, और उसके अंदर सिनोनियम्स वगैरह आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सेशन थ्री पर। सेशन थ्री पर क्या है, आपके पास 5 मिनट का टाइम होगा, 3 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आप कुछ भी दे सकते हैं आपको, इसका मैं कुछ आपको नहीं बता सकता, लास्ट टाइम इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए थे कि वो शायद किसी के भी किताब में ना मिलते हों। जैसे कि लास्ट टाइम मुझे एक अच्छे से क्वेश्चन याद थे, 3 क्वेश्चन थे इसमें, वो इसलिए मुझे याद रह गया कि वो क्वेश्चन ही आया था। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि कायद आज़म ने किसके पीछे नमाज़ पढ़ी, तो इस टाइप के लास्ट का क्वेश्चन आते हैं, तो आप इससे आइडिया कर लें। अब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस बार किस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस तरीके से इसका पैटर्न होता है। ठीक है, क्राउड ज़्यादा होता है तो 100 MCQs नहीं होंगे, 30 ही MCQs होंगे, या मतलब 40-50 कर दें, लेकिन लास्ट टाइम जो थे वो 30 थे और 1 घंटे का टाइम था। इसके अलावा इन्होंने अपने कुछ गेट्स भी बुलाए होंगे, तो पूरा टाइम वो लोग भी लेंगे, तो मेरे ख्याल से वो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपने अपने साथ क्या लेकर जाना है, एक बॉल पेन लेकर जाना है, वो भी ब्लू, ठीक है, पेन जरूर लेकर जाइएगा, वहाँ पर ब्लू पेन आपको जरूरत होगी। अब मैं आपको बता दूँ, आपके पास क्वेश्चन पेपर होंगे और आंसर शीट होगी, जिससे कि आप लोग एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं ना, कि उसकी आंसर शीट होती है और क्वेश्चन पेपर होता है, तो क्वेश्चन पेपर में जो आंसर होता है वो आप अपने आंसर शीट में सर्कल करते हैं। तो इसी तरीके से आपको एक ऑप्शन दिया गया होगा ए, उसके अंदर उसका ऑप्शन होंगे ABCD, तो अगर लेट्स सपोज इसका आंसर ए है, तो आपने बन के आगे ए पे कर देना सर्कल, ठीक है, कलर फिल कर देना उसके अंदर, और एक मरतबा आपने कर दिया तो उसके अंदर गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने बड़ा सोच के रखना है, यानी कि अगर आप एक बार तो सर्कल कर दिया, फिर आपने बोला नहीं यार ये गलत था वो सही है, तो फिर वो भी जाएगा और ये भी जाएगा, आप पूरा ज़रूर मिल जाएगा, तो आपने कभी सोच समझ के करना है। और आप ये एक चीज़ अगर आपने नोट किया, यहाँ पे ई भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप इससे आइडिया कर लेंगे पेपर कितना मुश्किल हो सकता है। ABCD और ई भी दिया गया, कुछ MCQs में ई भी होंगे, कुछ में 4 भी होंगे, तो आप इस चीज़ से आइडिया कर लें कि पेपर कैसा हो सकता है। ठीक है, फिर वही बात कह रहा हूँ कि पेपर जितने ही मुश्किल हो पास अप हो जाएंगे, लेकिन ये है कि जो फेल होना चाहेगा वो उसको फेल करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इनकी पॉलिसी, अगर आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड अटैच नहीं करवाया है, तो आप ये देख सकते हैं कि अटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आप आगे हैं तो देखें, एक पॉलिसी उन्होंने अनाउंस कर दी है कि बैग्स, फोन्स, फूड्स और कैलकुलेटर नॉट अलाउड, ठीक है, और बस ब्रिंग एग्जाम बोर्ड, यानी आप सपोर्ट लेके आएँ, ब्लू पेन लेके आएँ, और मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, और मास्क ज़रूरी है, और ब्रिंग योर ओरिजिनल CNIC एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, ब्लू पेन आप लोगों ने लेके आना, वह मेंशन है, इसका मतलब कि इनका एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम ही होगा। और सिर्फ यही नहीं, या पढ़ लें इसकी इंस्ट्रक्शन, बाकी पेज पे जाके इन्होंने अपना रूट मैप भी जारी कर दिया है, तो इस चीज़ से बिल्कुल साफ वाजह होता है कि लास्ट टाइम जो हुआ था इस टाइम भी सेम होगा, तो माइट भी पॉसिबल है कि आपका पैटर्न भी यही रहे, कुछ कह नहीं सकते, आप देख सकते हैं ये, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो फिलहाल मेरा भी टेस्ट है, मैं भी जाकर देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। और वीडियो के एंड में आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने लास्ट ज़्यादा वॉलंटियर काम किया था, अगर आप अच्छा वगैरह देखना चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, तो कैंडी इसको जाकर आप फॉलो कर दें। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है कैंडी लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों यार शेयर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।